हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेफ्टी इन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डर को या जो भी कोई वेल्डिंग कर रहा है उसको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी अपेरल्स या एसेसरीज यूज करनी चाहिए, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए वेल्डिंग करना ठीक है एक छोटा मोटा काम नहीं होता है, काफ़ी हार्ड वर्क होता है, रिस्की काम होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो वेल्डिंग कर रहा है या जो वेल्डर है उसको वेल्डिंग करने के दौरान अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके साथ कोई हादसा ना हो, ठीक है, कोई उसको इंजरीज ना हो, कोई बर्न ना हो। ठीक है, तो देखिए कोई भी काम करना है तो सेफ्टी के साथ करना है। ठीक है, तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग करते समय या जनरली आर्क वेल्डिंग करते समय क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी वेल्डर है या जो भी व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है वो सेफली काम कर सके, उसको कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वेल्डर है उसको अपने शरीर को बर्न से या इंजरी से बचाने के लिए क्या क्या अपेरल्स पहनने चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, या बताएंगे, अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको हम लोग। तो जो सेफ्टी अपेरल्स का मतलब जो चीज़ पहनने वाली होती है, ठीक है, शरीर पे अपने पहनने वाली जो चीज़ें होती हैं सेफ्टी के लिए, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सेफ्टी अपेरल्स। तो इसमें क्या क्या हो गया, पहला हो गया लेदर एप्रन, ओके, जिसे ये जो व्यक्ति पहने हैं, ये जो वेल्डर पहने हैं चेस्ट पे या अपना नीचे तक, ये है लेदर एप्रन। ठीक है, सेफ्टी अप्रेल्स का जो यूज होता है वो क्या होता है, इस वेल्डिंग करने के दौरान क्या होता है, जो आर्क रेडिएशन होता है, जिसे जब आर्क बनती है उसे क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, या वेल्डिंग करने के दौरान कभी कभी स्पैटर्स जनरेट होते हैं, तो स्पैटर्स क्या होते हैं, छिटक के इधर उधर गिरते हैं, तो आर्क रेडिएशन और स्पैटर्स या बर्न से बचने के लिए वेल्डर को सेफ्टी अपेरल्स पहनने चाहिए। ठीक है, तो सेफ्टी अपेरल्स क्या क्या पहनने चाहिए, पहला लेदर अप्रन, ये पूरा चेस्ट से लेकर नीचे तक कवर करता है, लेदर ग्लव्स पहनने चाहिए, हाथों को सेफ रखता है। ठीक है, लेदर स्लीव्स पहननी चाहिए उसको, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं सेफ्टी अपेरल्स क्या करते हैं, वेल्डर को आर्क रेडिएशन, स्पैटर्स, हॉट स्पैटर्स और बर्न से बचाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं या जो आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो जो आर्क होता है, जो आर्क बनता है उससे क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशन या रेस निकलती हैं, हार्मफुल रेडिएशन निकलता है या किरणें निकलती हैं, रेस निकलती हैं, जो हमारी आँखों पे बहुत बुरा असर डालती हैं। अगर आप वेल्डिंग को या आर्क को अपने बेयर आई से देख रहे हैं या बिना किसी शील्ड के देख रहे हैं, तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत, या वेल्डर की आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हानिकारक रेज होती हैं, रेडिएशन होता है। ठीक है, जो आर्क होता है, आर्क जो बनता है आर्क वेल्डिंग में, उससे हार्मफुल रेडिएशन या रेज निकलती हैं, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए, जो आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसलिए वेल्डिंग के दौरान ठीक है शील्डिंग स्क्रीन्स को यूज करना बहुत जरूरी होता है आंखों की सेफ्टी के लिए, वरना जो रेडिएशन है वो अपनी आंखों को या वेल्डर की आंखों को ख़राब कर सकता है। तो आर्क रेडिएशन या रेस, जो आर्क से रेस निकलती हैं जो आंखों को नुकसान करती हैं, उससे बचने के लिए वेल्डर को हैंड स्क्रीन पहनना होता है, हैंड स्क्रीन का यूज करना होता है। ठीक है, या वो एडजस्टेबल हेलमेट का यूज कर सकता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। ठीक है, इसको जनरली वेल्डर एक हाथ से पकड़ के ठीक है और अपने फेस पे लगा के ये ग्लास के थ्रू जो भी तुम्हारा जहाँ वेल्डिंग हो रही है वेल्डिंग को करता है,
और वेल्डिंग से जो रेडिएशन निकलता है वो उस रेडिएशन को ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो ग्लास है वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है, वो रेडिएशन आंखों तक पहुंचने नहीं देता है। तो आंखों को बचाने के लिए रेडिएशन से या रेस से बचाने के लिए, रेस का मतलब किरणें, जो हार्मफुल या हानिकारक किरणें जो आर्क से निकल के हमारी आंखों तक जा रही हैं, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए वेल्डर को हैंड स्क्रीन का यूज करना रहता है। वो अपने इस फेस पे लगा के फिर इस स्क्रीन के थ्रू या ग्लास के थ्रू वेल्डिंग को देखता है। तो हैंड स्क्रीन में वेल्डर को हाथ से हैंड स्क्रीन को पकड़ना होता है। एक होता है एडजस्टेबल हेलमेट, ठीक है, ये वेल्डिंग हेलमेट हो गया। तो ये वेल्डिंग हेलमेट क्या होता है, जो वेल्डर होता है अपने चेहरे पे पहन लेता है और एडजस्टेबल होता है, अपना साइज के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो वेल्डिंग हेलमेट यूज करने से क्या होता है, वेल्डर के दोनों हैंड्स फ्री हो जाते हैं, आराम से काम कर सकता है कुछ भी। हैंड स्क्रीन पकड़ने से उसका एक हैंड बिजी हो जाता है, वो एक ही हैंड का वेल्डर यूज कर पाता है, ठीक है। पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आगे बताएंगे फिगर सहित। चिपिंग या ग्राइंडिंग गॉगल्स का यूज करते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं, ठीक है, जब वेल्डिंग हम लोग कर लेते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद जो भी हमारा ऊपर स्लैग डिपॉजिट होता है वेल्डिंग के ऊपर, उसको हम लोगों को रिमूव करना होता है। तो उसके लिए जो हम लोग चिपिंग प्रोसेस करते हैं, चिपिंग प्रोसेस करने से क्या होता है, जो स्लैग होता है वो छिटक के हमारी आँखों पे जा सकता है। उसके लिए हम लोग चिपिंग गॉगल्स या ग्राइंडिंग गॉगल्स यूज करते हैं। इसको भी हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, किसी मेटल को ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर पे, तो जो भी डस्ट या चिप्स निकलती हैं वो हमारी आँख पे जाके हिट ना करें, उसके लिए चिपिंग या ग्राइंडिंग गॉगल्स का यूज करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग करते समय जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो आर्क वेल्डिंग करते हैं तो मेटल मेल्ट होता है, ठीक है। मेटल में कभी कभी इम्प्योरिटीज होती हैं, पेंट लगा होता है या और किसी तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो इम्प्योरिटीज मेल्ट होके कभी कभी टॉक्सिक फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो फ्यूम हम इनहेल ना कर लें, हमारे अंदर ना चला जाए, हमको हार्म ना करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेटर या एग्जास्ट डस्टिंग, जो भी वेल्डिंग के दौरान फ्यूम जनरेट हो रहा है, धुआं जनरेट हो रहा है जो कि हानिकारक होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो हमारे श्वसन के द्वारा अंदर ना जाए हमारे, उसके लिए हम रेस्पिरेटर या एग्जॉस्ट डस्टिंग का यूज करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, सेफ्टी एसेसरीज होंगे। देखिए ये वेल्डर क्या पहने, लेदर एप्रन पहने, लेदर ग्लव्स पहने, ये होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज करते हैं, ये तो हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये सब आगे डिटेल पढ़ेंगे। लेदर केप विद स्लीप हो गई, ये शर्ट टाइप की होती है, ये एडजस्टेबल हेलमेट हो गया, ठीक है, ये वेल्डिंग ग्लव्स हो गए, ठीक है। ये देखिए ये एडजस्टेबल वेल्डिंग हेलमेट पहने, केप विद स्लीप्स हो गई, ठीक है, वेल्डिंग ग्लव्स हो गया, ये एप्रन हो गया, ये लेग गार्ड्स हो गए, ठीक है, ये हमारा हैंड स्क्रीन हो गया। देखिए हैंड स्क्रीन में यहाँ पे क्या होता है, दो प्लेन ग्लास यूज होते हैं और एक कलर्ड ग्लास होता है, ठीक है। तो जो कलर्ड ग्लास होता है वो जो वेल्डिंग से रेडिएशन या हार्मफुल रेडिएशन या रेस निकल रही है उनको फिल्टर कर देता है, ठीक है, वो हम तक जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको नहीं आने देता है। वही चीज़ हेलमेट में भी होती है, लेकिन हेलमेट क्या होता है, वो एडजस्टेबल होता है, हेड पे पहन लिया जाता है, जिससे दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं। देखिए वेल्डिंग स्क्रीन, हैंड स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट, एडजस्टेबल वेल्डिंग हेलमेट का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, वेल्डर की आईज को या फेस को, वेल्डर की आईज मतलब आँखों को और फेस को आर्क रेडिएशन, हार्मफुल आर्क रेस, ठीक है, और स्पार्क्स, आर्क वेल्डिंग के दौरान जो स्पार्क्स स्पैटर्स जनरेट होते हैं उससे वेल्डर के फेस और आईज को सेफ करने के लिए वेल्डिंग स्क्रीन और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग के दौरान जो भी
फ्यूम, टॉक्सिक फ्यूम या हार्मफुल फ्यूम, धुआं जो जनरेट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रेस्पिरेटर या एग्जॉस्ट डक्टिंग का यूज करते हैं। ये देखिए, वर्कशॉप में या वेल्डिंग शॉप में, ठीक है, हमको नॉर्मल शूज नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, क्या पहनना चाहिए? इंडस्ट्रियल सेफ्टी शू पहनना चाहिए। ये क्या है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी शू, ये नॉर्मल सेफ्टी शू है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी शू है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ऑर्डिनरी शू पहना हुआ है, ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट गिर गया, ठीक है, ठीक है, तो ये मान लीजिए पैर पे गिर गया तो ये आपके पैर को हार्म कर देगा। ठीक है, पीछे से कोई धक्का लग गया, कट लग गया, तो एंकल पे आपको चोट लग जाएगी। नीचे से कोई पिन या नुकीली ऑब्जेक्ट घुस गई, ठीक है, तो वो पैर को नुकसान करेगी। तो ऑर्डिनरी वर्कशॉप में ऑर्डिनरी शूज़ नहीं पहने चाहिए, इंडस्ट्रियल शूज़ पहने चाहिए। ये देखिए, ये इंडस्ट्रियल शूज़ है। ठीक है, ये देखिए, इस पे ऊपर यहाँ पे स्टील टो कैप, एक कैप लगा होता है जो स्टील का बना होता है। जैसे कोई शार्प चीज़ आपके पैर पे गिर गई तो स्टील टो क्या करेगी? उसको आपके पैर को बचा लेगी। नीचे क्या है? देखिए, स्टील इनर सोल है। ये क्या है? देखिए, स्टील का इनर सोल है। क्या करेगा? जैसे नीचे से कोई चीज़ चुपके आपके पैर में नहीं लगेगी। ठीक है, और ये जो इसका सोल होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ होता है। ठीक है, ये जो सोल है इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो वेल्डिंग के दौरान या वर्कशॉप में आपको जनरली ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज़ या इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट ही पहनना चाहिए। ओके, अब देखिए, जो हम लोग वेल्डिंग स्क्रीन, हैंड स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट जो यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें तीन तरह के ग्लास यूज, दो तरह के ग्लास यूज होते हैं। ठीक है, दो प्लेन ग्लास, दो प्लेन ग्लास। देखिए, ये ग्लास जो है और ये वाला ग्लास, ये क्या है? प्लेन ग्लास है। ठीक है, तो वेल्डिंग स्क्रीन, हैंड स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट में दो प्लेन ग्लास यूज होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लेन होते हैं, इसके आर पार दिखता है, वाइट होते हैं। और एक क्या होता है? कलर्ड ग्लास होता है। ठीक है, साइड में दो प्लेन ग्लास रहेंगे और बीच में एक कलर्ड ग्लास रहेगा। ये जो कलर्ड ग्लास होता है, ये अलग अलग शेड्स में आता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, या जिस वेल्डिंग के दौरान जितनी हम लोग करंट यूज कर रहे होते हैं, उस करंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग कलर्ड, अलग अलग शेड के कलर्ड ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग करंट, ठीक है, के हिसाब से हम लोग जो भी कलर्ड ग्लास है, ठीक है, कलर्ड ग्लास है, कलर्ड ग्लास का शेड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 200 एम्पियर की करंट यूज कर रहे हैं तो इस कलर्ड ग्लास का शेड नंबर अलग होगा। 500 एम्पियर की वेल्डिंग करंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कलर्ड ग्लास का शेड नंबर चेंज हो जाएगा। इसको प्लेन ग्लास बोलते हैं, या बोलते हैं क्लियर ग्लास प्लेट। ठीक है, क्लियर होता है, इसको हम लोग कलर्ड ग्लास बोलते हैं, या बोलते हैं आई प्रोटेक्टिव ग्लास। ठीक है, यही जो ग्लास होता है वो आई को आर्क रेडिएशन या हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दो प्लेन ग्लास या क्लियर ग्लास यूज करते हैं, वो साइड में रहते हैं, बीच में कौन सा रहता है? आई प्रोटेक्टिव ग्लास या कलर्ड ग्लास। जो भी हम लोग वेल्डिंग करंट यूज कर, जितनी वेल्डिंग करंट यूज करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग इस कलर्ड ग्लास का शेड यूज करते हैं। अलग अलग शेड के कलर ग्लास आते हैं। ये देखिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं चिपिंग गॉगल, ग्राइंडिंग गॉगल या सेफ्टी गॉगल। ठीक है,
जैसे वेल्डिंग के बाद जो स्लैग डिपॉजिट हो जाता है वेल्ड के ऊपर, उसको जो हम लोग निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं चिपिंग। ठीक है, तो चिपिंग प्रोसेस के दौरान जो भी स्लैग होता है वो छटक के आंखों तक आ सकता है या आंखों पे लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपनी आंखों को सेव करने के लिए चिपिंग गॉगल्स या सेफ्टी गॉगल्स का यूज करते हैं, या ग्राइंडिंग करने के दौरान जो डस्ट है या चिप है वो हमारी आंखों पे हिट कर सकता है, उसके लिए सेफ्टी के लिए चिपिंग गॉगल या सेफ्टी गॉगल का यूज करते हैं। ये एप्रन हो गया, पहनने के लिए पहना जाता है इसको। आर्क रेडिएशन या स्पेक्टर्स या बर्न से बचने के लिए ये वेल्डर अपने ऐसे गले में डाल के पहनता है इसको। ठीक है, देखिए वेल्डिंग के दौरान जो वेल्डिंग जितनी वेल्डिंग करंट हो रही यूज हो रही है, जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो करंट को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो वेल्डिंग करंट कितनी यूज हो रही है उसके अनुसार अलग अलग शेड्स का कलर्ड या फिल्टर ग्लास प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक टेबल है। ठीक है, कि ये इधर दिया हुआ है कि वेल्डिंग के दौरान जितने भी हम लोग वेल्डिंग करंट यूज कर रहे हैं वो एम्पियर में दी हुई है। ठीक है, उस वेल्डिंग करंट के अनुसार किस नंबर का, किस शेड नंबर का कलर्ड ग्लास हम लोग यूज कर रहे हैं वो दिया हुआ है। अगर जैसे वेल्डिंग के दौरान हम लोग 100 एम्पियर तक वेल्डिंग करंट यूज कर रहे हैं तो जो कलर्ड ग्लास यूज होगा वो उसका जो शेड नंबर होगा वो 8 से 9 होगा। ठीक है, कलर्ड ग्लास जो हमने बताया था ना, दो प्लेन ग्लास या क्लियर ग्लास प्लेट होते हैं, फिर बीच में कलर्ड ग्लास होता है। ठीक है, वही कलर्ड ग्लास क्या करता है या फिल्टर ग्लास क्या करता है, रेडिएशन को रोक देता है। ठीक है, तो अगर 100 एम्पियर तक करंट यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग करंट यूज कर रहे हैं, तो 8 से 9 शेड नंबर होगा कलर्ड ग्लास का। 100 से 300 एम्पियर करंट यूज कर रहे हैं तो 10 से 11 शेड नंबर होगा कलर्ड ग्लास का। 300 के ऊपर यूज कर रहे हैं तो 12 से 14 कलर्ड ग्लास का शेड नंबर होगा। ये याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि 100 से 300 के बीच में वेल्डिंग करंट यूज हो रही है एम्पियर में, तो इसके लिए जो कलर्ड ग्लास यूज करेंगे उसका शेड नंबर कितना होगा, तो ये पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है, एक वेल्डिंग बूथ है। ठीक है, ये वेल्डर हो गया। ठीक है, ये देखिए वेल्डिंग टेबल हो गई। ठीक है, तो ये जो वेल्डिंग बूथ होता है तो इसकी जो वाल्स हैं, ठीक है, तो इन वाल्स पे क्या करते हैं हम लोग, पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीनिंग। ठीक है, पोर्टेबल इन वाल्स के अलॉन्ग हम लोग क्या करते हैं, पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीनिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, कैनवास की स्क्रीन्स होती हैं उनको क्या करते हैं, जो भी चारों तरफ वाल्स हैं उनके अलॉन्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो जब वेल्डिंग होती है, जब वेल्डर वेल्डिंग करता है तो जो आर्क के फ्लैशेस हैं, जो चमक है, ठीक है, जो रोशनी जनरेट होती है, तो वो रोशनी या वो लाइट या वो फ्लैश वो ये कैनवास स्क्रीन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो अगर आसपास कोई दूसरा व्यक्ति है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो फ्लैशेस नहीं दिखती हैं, वो फ्लैशेस उसकी आंखों तक नहीं जाती है। ठीक है, तो जो कैनवास स्क्रीनिंग है उसका यूज क्या होता है, जो भी फ्लैशेस वेल्डिंग के कारण जो भी लाइट जनरेट हो रही है या फ्लैश जनरेट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखिए वेल्डिंग करते समय, ठीक है, जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आसपास का एटमोसफियर है, ठीक है, वो ओपन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वेल्डर का वहाँ पे सफोकेशन होगा वेल्डर को। ठीक है, तो कभी कदार क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं नॉन फेरस मेटल्स की, ठीक है,
जैसे ब्रास हो गया या और कोई मेटल हो गया, तो इनकी वेल्डिंग करते समय क्या होता है, टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होते हैं। टॉक्सिक का मतलब जहरीला धुआं जनरेट होता है, धुआं पैदा होता है। तो वो अगर वेल्डर इनहेल कर लेगा तो वो उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई वेल्डर है, वो यहाँ वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, कोई नॉन फेरस वेल्डिंग कर रहा है, मेटल की वेल्डिंग कर रहा है जैसे ब्रास, तो उससे जो क्या कहते हैं फ्यूम जनरेट होता है वो बहुत ही टॉक्सिक और हार्मफुल होता है। तो इसके लिए वो ये जो फ्यूम जनरेट हो रहा है वो वेल्डर इनहेल ना कर ले, इसके लिए वेल्डर को रेस्पिरेटर मास्क पहनना चाहिए और इस तरह का एक डक्ट यूज करना चाहिए, रेस्पिरेटर डक्ट या एग्जॉस्ट डक्ट, ठीक है। ये क्या है, एग्जॉस्ट डक्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी फ्यूम जनरेट हो रहा है इसको क्या कर ले रहा है, सक कर ले रहा है, ठीक है, खींच ले रहा है, और ये फ्यूम वेल्डर के नाक तक नहीं जा रहा है, उसको इनहेल नहीं कर रहा है, वरना अगर ये इनहेल कर लेगा तो वो बहुत ही उसके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट डक्ट का यूज करके इस फ्यूम को हम लोग सक कर लेते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वेल्डर को रेस्पिरेटर मास्क भी पहनना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई मेटल पे इम्प्योरिटीज है, पेंट है या और कोई इम्प्योरिटीज है, तो वो जब मेल्ट होता है, इम्प्योरिटीज मेल्ट होती तो वो भी कई तरह का हार्मफुल स्मोक और फ्यूम जनरेट करता है, तो वो भी वेल्डर इनहेल ना करे, इसलिए प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए या वेल्डिंग हो रही है, वेल्डर को रेस्पिरेटर मास्क पहनना चाहिए या एग्जॉस्ट डक्ट और एग्जॉस्ट डक्ट का भी यूज करना चाहिए, जिससे कि जो भी फ्यूम, जो भी हार्मफुल या टॉक्सिक फ्यूम या स्मोक जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, वेल्डर इनहेल ना करे इसको। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोग वेल्डिंग करते समय सेफ्टी के पर्पज़ से ध्यान रखते हैं और ये करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वेल्डिंग करते समय सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, जो जो भी मैंने चीज़ें बताई ये सब चीज़ें सेफ्टी में ध्यान रखनी चाहिए। ओके, ये क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आर्क वेल्डिंग एसेसरीज, ठीक है, आर्क वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या क्या एसेसरीज या इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।